हेलो फ्रेंड्स, जय गणेशाय नमः। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज लोग आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। ये मैं डलिया दिखा रही हूँ, जो डलिया ये लेकर आई है, ये चौकचंद पूजा की तैयारी में किस तरह से की हूँ। आज हमारा तीज भी है और चौकचंद पूजा, दोनों एक ही दिन है। गणेश चौथ को चौकचंद पूजा, यूपी बिहार में ये जो चौकचंद पूजा होती है ना फ्रेंड्स, ये जो छठ पूजा जैसे होता है ना, उस तरह से ही होता है। चांद की पूजा होती है, पूरी फास्टिंग रहती है, अपने बच्चों और हस्बैंड अपने परिवार बच्चों के लिए किया जाता है ये फेस्टिवल। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये सारा फ्रूट मैंने धो लिया है, अच्छे से मैंने वॉशिंग की हूँ फ्रूट का, और डलिया को भी मैंने अच्छे से धो लिया। उसके बाद ये चुन्नी है, चुन्नी को मैंने किया, और इतना सारा फ्रूट इस डलिया में नहीं होगा, वही मैं एडजस्ट कर रही हूँ। और किस तरह से मतलब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, वही आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। हम लोग की पूजा थोड़ी सी होती है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, और ऐसे ही फास्टिंग रहा रहना, और फास्टिंग हो भी जाता है फ्रेंड्स, पता नहीं क्या शक्ति है क्या है मुझे नहीं पता। दो दो दिन तक बिना पानी का हम लोग रह सकते हैं। ये मैंने खीर थोड़ा रेडी किया था, खीर पूरी, पूरी के आटा मैंने करके रख ली, और ये दीपक को भी मैंने वाश कर लिया था। और इस तरह से करना है, इसको मैंने धोना बाकी है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मिल गया, यहाँ आइलैंड में रहती हूँ, दीव आइलैंड में रहती हूँ, फिर भी ये सब सामान मिल गया। ये थोड़ा सा घास का दूबी, पता नहीं हस्बैंड मेरे लेकर आए। ये पान और सुपारी है, ये देखिए सुपारी पान में पूजा का थोड़ा थोड़ा आइटम। और ये बहुत सारे घरों में क्या होता है ना कि दही को जमा लिया जाता है, मगर मैंने नहीं जमाया। ये फ्लावर है, मैंने मार्केट का ही लेकर आई हूँ, उसी की पूजा कर लेती हूँ। दही की पूजा होती है, और खीर पूरी बहुत मेरे मायका में क्या है ना फ्रेंड्स, कि खीर पूरी पकवान बहुत सारे जगहों में क्या है ना कि गुजिया बनता है, खस्ता कचौड़ी ऐसा बनता है। कैसे हो आप? तो आप ये देख सकते हो, मैंने जो लगाया हुआ है इसको जुड़वा मांग बोलते हैं, और हमारे उत्तर भारत में जितने भी हम लोग यूपी बिहार के जितने भी लेडीज होती है ना, कोई भी मंगल कार्य होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हम लोग को ये जुड़वा मांग हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इसको पूरा नाक तक का, यहाँ तक का सिंदूर करके पूरा, देखिए मांग मैंने भरा है। और ये हमारा हिंदू सनातन जितने भी हम लोग उत्तर भारतीय है उनकी बातें कह रही हूँ। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो वहाँ की हम लेडीज लोग जब भी कोई त्यौहार करते हैं, जैसे कि छठ पूजा जो महापर्व जो माना जाता है हमारा यूपी बिहार का, उस छठ पूजा का भी हम लोग इसी तरह। तो फ्रेंड्स यही बोल रही हूँ कि जैसे कि छठ पूजा, आप देखिए मेरी पूरी फास्टिंग है, पानी भी नहीं पीना है, पूरा फास्टिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना फ्रेंड्स, कि तीज और तीज और चौकचंद एक दिन पड़ा है, और तीज और चौकचंद कभी भी एक के दिन नहीं पड़ता है, हमेशा एक दो एक दिन आगे पीछे होता है। तो अभी जो है ना, दोनों एक ही दिन पड़ा है। हमारे जितने भी सुहागने लेडीज है, हिंदू सनातन धर्म में जितने भी हम लोग लेडीज है, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग ये जुड़वा मांग टिकते हैं, और इसी तरह से आप देख सकते हो। तो मैं अपने वीडियो में दिखाई हूँ, और देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो फ्रूट वगैरह, ये आप देखिए। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि चेहरा पूरा सूखा हुआ इसलिए है कि पूरी फास्टिंग है, पानी भी नहीं पीना है, और मुंह आप देख सकते हो कुछ भी मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मुंह पे फेस वॉश भी नहीं लगाना रहता है, साबुन भी नहीं लगाना रहता है। तो बस ऐसे ही मतलब पानी लेके, पानी मैंने ऐसे ही डाल लिया, और अभी नहा के ऐसे ही निकली हूँ। ये बाल भी मेरा गीला है, पूरी तरह से सूखा नहीं है बाल, गीला ही बाल है। और आप फ्रेंड्स देख सकते हो, अभी मैं बस वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, अभी तक वो आए नहीं है, तो उनकी वेट कर रही हूँ कि जब वो आ जाए तो फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। और पूजा की तैयारी किस तरह से मैं कर रही हूँ, तो पूरी वीडियो पे बने रहे। और मेरे आप दूसरे चैनल मेरी इसी सिखा वे में आप लोगों ने देखा होगा पिछला वीडियोज़ मैंने किस तरह से बनाया है, और मैं छठ पूजा का भी किस तरह से वीडियो बना के दी हूँ, वो भी आप लोगों ने देखा है। तो मेरा जो YouTube पे जो मेन जर्नी जो है ना फ्रेंड्स, मेरी यादें हैं, मैं इसको समेटना चाहती हूँ, कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं मेरा साथ हो रहा है, मैं जो भी एक्सेप्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये केला के पत्ते हैं जो मेरी बेटी लाई है बगल वाली से तोड़ के, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, धो ली हूँ,
और बस। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए स्पेशल रूप से जो हम लोग यूपी बिहार की लेडीज लोग जो होती है ना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करती है और बहुत ज़्यादा फास्टिंग हम लोग का मतलब हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे जगह पे क्या होते हैं ना कि फास्टिंग बोलती है, मेरी तो फास्टिंग है, मेरी फास्टिंग है, मगर वो क्या है ना कि आलू की भाजी खाते हैं, मूंगफली के दाने खाते हैं, अखरोट खाते हैं, ड्राई फ्रूट जितना भी होता है सब खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, और सबको बोलते हैं कि मेरी फास्टिंग है। तो हम लोग जितने भी हम लोग है ना, उसको फास्टिंग नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको फलाहार बोलते हैं कि मेरी फलाहार है। हम लोग का लैंग्वेज में फास्टिंग हम लोग इसको बोलते हैं जो मैं पानी भी नहीं पी हूँ सारा दिन। अभी मेरा जितिया पर्व आ रहा है, जितिया जो पर्व है ना फ्रेंड्स, उसमें तो 2 दिन का उपवास होता है, 2 दिन तक पानी भी नहीं पीना होता है, 2 दिन तक हमारे बच्चों के लिए, ये भी हमारे बच्चों के लिए ही पर्व है, हमारे हस्बैंड के लिए पर्व है, हमारे बच्चों की सुख शांति रहे हमारा। देखिए मैं सिंपल जैसे मेरा है ना शकल, वैसे ही मैं अपने कैमरे पे दिखा रही हूँ। तो जो भी हमारा धर्म है, हम जो अपने अपने बच्चों के लिए, हमारी हम लेडीज लोग अपने हस्बैंड के लिए लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं ताकि घर में सुख शांति रहे। और किसी किसी का मन्नत भी होता है, जैसे कि मन्नत मेरा बेटा का मन्नत है तो मैं 2 करती हूँ। जैसे कि दही, जो दही का है अभी 4 मैंने आप लोगों को दिखाया, उसको मैंने वास करके रख दी हूँ। मिट्टी का ही होना चाहिए, मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जितने अमीर जितने पैसे वाले होते हैं ना, कुछ भी नहीं चलता है, पैसा वाले कुछ नहीं। जिस तरह हमारा छठ पूजा होता है ना, कितना पैसा वाला हो ना, आपको सूप जो डोम होते हैं ना, एक जाति होती है उसकी सूप, उसको यूज करना होता है, और जितने पैसे वाले करोड़पति होते हैं उसकी सूप उसमें करना होते हैं, और नहीं तो मिट्टी का कोई तत्व लेना होता है। गोबर जो हम लोग ढेपला बोलते हैं, जो हम लोग का गोएठा बोलते हैं, उसको भी उपयोग होता है। और एक ही जैसा पर्व मनाया जाता है, अमीर गरीब सबका, जो गरीब होते हैं इतना सा ही करते हैं, मगर यही कंडीशन यही रीति रिवाज होते हैं। जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो इतना ज़्यादा करते हैं, मगर उनको भी मिट्टी का तत्व यूज करना पड़ता है, ऐसा पर्व होता है। तो हमारे सनातन धर्म में ये शुरू से हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा था और जो करते आ रहे हैं वही चीज़ है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि गला पूरा मेरा सूख रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे क्या त्यौहार और कैसे क्या होता है। आज गणपति है, देख लीजिए यहाँ कितनी ज़्यादा फटाकेबाज हो रही है, क्योंकि आज गणपति जी का आगमन है और 7 सितंबर है। और ये देखिए मैंने केले के पत्ते मेरी बेटी लाई थी, और ये जो आप देख रहे हो ना गोबर से नीपने का, ये मेरे दोनों बच्चों ने नीपा है, पानी से पहले धोया है दोनों मेरे बच्चे। और देख लीजिए गोबर से, देखिए जैसी सिचुएशन में रहते हैं ना, तो उसको मैंने बच्चों को ढालना सिखा ली हूँ। कहीं भी रहो, देश रहो, परदेश रहो, मगर हर सिचुएशन में ढल देना चाहिए कुछ भी। बहुत सारे फ्रेंड्स में होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नानू करते हैं, ये गंदा है, वो गंदा है, गोबर नहीं छूना। बट मेरे अपने बच्चों को यही संस्कार दिया है कि जैसे जैसी मैं हूँ ना वैसे मेरे बच्चे हैं। मैं हर रंग में ढल जाती हूँ, जैसे मैं जीन्स टी शर्ट हमेशा पहनती हूँ, शुरू से ही पहनती आ रही हूँ। मेरे को वेस्टर्न चीज़ें बहुत अच्छा ही लगता है शुरू से ही, हस्बैंड भी कभी रोके नहीं है, वो हमेशा ला के भी देते हैं। और अभी देखो, अभी आप मुझे देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल गांव वाली लेडीज के जैसा मैंने अपना गेटअप किया है। और देख लीजिए हस्बैंड भी आ गए थे मेरे, जल्दी 7 बजे तक आ गए थे, मेरी पूरी तैयारी हो गई है। मेरा बेटा कैमरा ले आया हुआ है और देखिए घुमा रहा है, पता नहीं किस तरह से वो वीडियो ले रहा है। बोला मम्मा लूंगा ज़बरदस्ती। हस्बैंड ने बोला कि कैमरा एक जगह रख दो फिर होता रहेगा, नहीं वो हाथ में लेके लेना है। तो फिर शाम को सब लोगों ने नहाए थे और नहा के देखिए फिर मैं तैयारी, इसमें जो ढक्कन था उसमें मैंने दही को रखा, दही को रखने के साथ अब देख लीजिए मेरे बच्चे दोनों नहा के, मेरी बेटी ने ये गोबर से नीपा है, पूरा गोबर से उसको करके उसकी फिर गंगा जल से छिड़काव की है, फिर सारे फ्रूट को और केला के पत्ते को गंगे जल से मैंने वास किया है, और मैं भी नहाई हूँ गंगा जल, मतलब आधा थोड़ा सा पानी लेकर पानी में डाल के मिक्स करके नहाई हूँ। बच्चों लोग को भी बदन पे गंगा जल छीटूँ, क्योंकि यहाँ तो गुजरात में गंगा जल का तो कुछ है नहीं, बट मैं बिहार से जब जाती हूँ ऐसे फ्लाइट में जाती हूँ तो अलाउ नहीं है, पानी तो ले जाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं ट्रेन से जाती हूँ ना तो ले कर आती हूँ। तो अब देख सकते हो ये पूजा की तैयारी मैं किस तरह से की हूँ।
हमारे मायका में तो क्या है ना कि बहुत सारा पकवान बनता है, बट मेरी सासू माँ जैसे करती है मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। और मैं पिछले 5 साल से ये व्रत कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो सासू माँ करती थी, मतलब अपने बेटे के लिए, ससुर के लिए, बेटा मतलब मेरे हस्बैंड एक ही अकेले हैं तो इनके लिए करती थी। तो अब सासू माँ ने मुझे दे दिया कि क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी है, उनकी फास्टिंग हो नहीं पाती है, तो फिर मैंने बोला माँ मैं करूँगी। तो ये मेरे बच्चों, मेरे बेटा का भी मन्नत था, तो इसीलिए आप देख सकते हो। और हम लोग हिंदू सनातन धर्म में फ्रेंड्स ऐसे ही पूजा होती है, बहुत ज़्यादा हम लोग की मन्नतें पूरी भी होती है और बहुत ज़्यादा शक्ति होती है इस तरह से। और अभी गणपति की शुरुआत हो चुकी है, गणपति देवा महाराज की, तो अब हमारा फेस्टिवल शुरू होता ही रहेगा और आगे भी ब्लॉग आपको मैं इसी टाइप से दिखाती रहूँगी। अभी मेरी जितिया पर्व आएगा, जो 2 दिन फास्टिंग होता है अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए किया जाता है। और उसके बाद करवा चौथ, दिवाली, छठ, यही सब त्यौहार की पूरी अभी भंडारा आ रही है। और मैं अब काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि फास्टिंग था, और देख सकते हो मेरा लुक बिल्कुल गांव वाला। मेरी बेटी बोल भी रही है कि मम्मा गांव जैसी लग रही हो, मैंने बोला कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा जैसे तैसे मैंने साड़ी को लपटा हुआ है, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी ये वाली साड़ी पहनने नहीं आती है, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही पोटली जैसा लपेट ली हूँ। और वही हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा बैठ जाओ, क्योंकि जब तक पूजा का ये नहीं हो जाता, चांद तो दिख ही गए थे, तो मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद अगरबत्ती नहीं जल रहे थे, तो फिर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, उन्होंने बोला थोड़ा बैठने के लिए। और अभी हम लोग अर्घ देकर इस तरह से, और देखिए फिर जो हम लोग को कपड़ा, जैसे कि जो मैं ये ड्रेस छठ पूजा में, ये साड़ी मैंने लिया था, पिछले छठ पूजा की साड़ी है, तो वही साड़ी, इसमें नया कपड़ा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी पीला पीला ही पहन लिए, और येलो, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो अपने तैयार हो रही थी, थोड़ा खीर पूरी बनाई हूँ, पूरी तो मेरी बेटी तली है, और थोड़ा सा दाल चावल इन लोग के लिए बना दी। और फिर फास्टिंग में खाना बनाना, फिर गैस के पास रहना, तो प्यास ज़्यादा लग जाता है, बस मैनेज करके चलती हूँ, हस्बैंड को, बच्चों को, सबको ले कर चल रही हूँ। इसी तरह से छोटा सा मेरा ये परिवार है, बाबा की कृपा बनी रहे और स्वस्थ रहे हमेशा, हम लोग तंदुरुस्त स्वस्थ और मैं सदा सुहागन रहूँगा। मेरे देखने वाले जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, सब सदा सुहागन।